हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है लौकी की क्रीमी खीर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। 500 ग्राम मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है और इसे हमें अच्छा सा गर्म करना है, तो बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे। जब दूध हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच साबूदाना। इसे मैंने पहले ही भिगो के रखे थे। जब हमारा साबूदाना अच्छे से भीग जाए तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे लौकी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके लौकी ले लिया है। अब इसे भी अब इसी दूध में हम ऐड कर देंगे और इसे चलाते जाएंगे। हमें इसे 10 मिनट तक ऐसे ही चलाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी फ्रेश क्रीम। अगर क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लें और उसे 5 मिनट तक चलाते जाएं। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश खोया। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच फ्रेश खोया ले लिया है। इसे डाल दें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें ताकि ज़रा भी लम्स ना रहें। और उसकी चारों साइड को हम अच्छे से निकालते जाएंगे जो हमें मलाई जो लगी है, और उसे इस दूध में मिलाते जाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो बहुत ही अच्छा थिक और क्रीमी हो जाए। तो अभी हमें 5 मिनट लग जाएंगे। अब 5 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई शक्कर। तो इसके अंदर मैंने इलायची भी साथ में ही पीस ली है। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच में पिसी हुई शक्कर ऐड करूँगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद हम फूड कलर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बदले आप वेनिला एसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम चलाते जाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लें तो हमारी लौकी की खीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही क्रीमी हो चुका है। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसे और पका लेंगे। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा और क्रीमी इसका स्ट्रक्चर हो चुका है और हमारे साबूदाने और लौकी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तब ये स्टेज पे हमारी लौकी की खीर रेडी हो चुकी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक कंटेनर लेंगे और इसके अंदर हम हमारी लौकी की खीर जो है इसे हम ऐड कर देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और बाद में इसे फ्रिज में हम रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा चिल हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद अब हम इसके गार्निशिंग करेंगे काजू बादाम और पिस्ता से। ये बहुत ही अच्छा चिल्ड हो चुका है। आप चाहे तो इसे गर्म भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली स्वीट डिश है। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आप इसे फटाफट से बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसे एक बाउल में शर्व करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी खीर है। अगर आपके घर मेहमान आए या फिर आपको कोई भी फेस्टिवल है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। श्योर आप सबको बहुत ही पसंद आएंगे। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये क्रीमी लौकी की खीर। और आप इसे हर सीज़न में बना सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी है। फ्रेंड्स, अगर मेरी डिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी स्वीट डिश कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।